नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता कपूर। अ वार्म वेलकम टू ऑल आवर मीडिया फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु हैज जॉइंड अस टुडे। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित हैं, आई टेक इमेंस प्लेजर इन वेलकमिंग यू टू द वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कलर्स लेटेस्ट फिक्शन शो मोल्की। सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मोल की कहानी है पूर्वी की। मोल की दुल्हन यानी पैसे से खरीदी हुई दुल्हन। जी हाँ, पूर्वी की शादी अपने उम्र से दुगने जमींदार वीरेंद्र के साथ होती है, जो कि खुद अपनी मोल की प्रथा से हुई शादी से बिल्कुल अनजान है। जो रिश्ता उम्र में आधा और मोल से जुड़ा हो, क्या वो प्यार की दहलीज पार कर पाएगा? हरियाणा में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की कमी होने के कारण कैसे अमीर लोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को खरीद लेते हैं, इसी मोल की प्रथा की शादी की सच्चाई से जब हमारी पूर्वी का सामना होता है तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। और यहीं से शुरू होता है पूर्वी की जिंदगी का संघर्ष। उसे न सिर्फ इस नए समाज नए परिवार के साथ रहना पड़ता है, बल्कि उस इंसान के साथ भी अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है जो अब तक अपनी स्वर्गवासी बीवी को भुला नहीं पाया है। इन संघर्षों से धीरे धीरे गुजरते हुए पूर्वी लगातार कोशिश करती है कि वो अपने नए परिवार और अपने पति वीरेंद्र के दिल में किसी तरह थोड़ी सी जगह बना सके। क्या यह अनोखा रिश्ता पूर्वी की जिंदगी में कभी बदलाव ला पाएगा, या फिर पूर्वी हमेशा एक मोल की दुल्हन माँ और बीवी बनकर रह जाएगी? क्या वीरेंद्र उसका पति अपनी स्वर्गवासी बीवी को कभी बुला पाएगा? क्या पूर्वी उसकी बीवी की जगह ले पाएगी? क्या होगा हमारी पूर्वी यानी हमारी मोल की दुल्हन का? To talk more about the show, I'd now like to welcome head of Hindi Mass Entertainment and Kids TV Network, Ms. Neela Ilavia Jaipuria. Good afternoon, everyone. Before I start, I'd like to wish each one of you and your families a very happy and prosperous Diwali. The last few months have been really difficult, and I hope that this festival of lights brings us hope and positivity. As we celebrate this festival from home this time, it is my pleasure to welcome all of you to the launch of our newest fiction show from the house of Balaji Telefilms, Molki. Over the years, Colors has created path-breaking shows that have highlighted social issues that are prevalent in our society today. Whether it is Anandi from Balika Vadhu, which not only created history, but created a huge awareness of child marriage, or whether it is Shakti, Udaan or Barrister Babu. All these shows have reflected social issues in their storytelling, and we have tried to create awareness and spark change and conversations. Taking this thought ahead, we are bringing to you yet another story based on an age-old issue that is prevalent in our societies today, that of buying brides. Molki chronicles the story of a young girl, Purvi, who is sold by her parents into an affluent family and married off to a man double her age in exchange for money. As the show gradually unfolds, you will see Purvi's struggles as she tries to find a footing in the family and as she tries to find love and acceptance. The show launches next week on 16th November. But we do have a sneak peek for you, so do take a look at that. And before I sign off, I would like to thank each one of you for your continued love and support and wish you a very happy Diwali once again. God bless. Thank you.
लड़की जिम्मेदार और भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी बनना है उसे। बोलो क्या बात से? सरकार, हम कुएं पे पानी पी रहे थे तो हमने अपना बच्चा जमीन पे रख दिया और ये आई और हमारा बच्चा चुरा के भागने लगी। सारे फसाद की जड़ यो बच्चा से। ठीक से फिर फैसला हो गया, यो बच्चे को लेकर नहर में बहा दो। निमंत्रण पत्र है भाई साहब, वो हमारे पुराने मैनेजर है रघु बिहारी जी, उनकी बेटी सुधा का ब्याह है। अगर मैं शादी में नहीं गई तो बाबा फिर माँ को मारेंगे, इसलिए मैं शादी में जरूर जाऊंगी। मैं तो शादी में जरूर जाऊंगा, भले ही हमारा नौकर से, पर रघु ने 25 वर्ष हमारी सेवा करी से, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहें। ये पक्का मकान तेरा हो सके। पैसे? पैसे पूरे 5 लाख। सच्ची? और तेरी बिजली की सप्लाई मेरी तरफ से फ्री, मंजूर हो तो बोल। जा और पूर्वी की बोल की पक्की कर दे। तेरी छोरी मोल की हुई। सौदा पक्का। तेरा नाम कैसे है? पूर्वी वीरेंद्र प्रताप सिंह। पूर्वी प्रताप सिंह ही ठीक से। ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ा गया से, इसलिए मारा नाम जोड़ने की जरूरत ना से। थैंक यू मैम, द एवी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। We hope our audience will connect to the storyline and the deep characters. To shed some more light on the concept of Molki, we'd now like to welcome Chief Content Officer, Hindi Mass Entertainment at Viacom 18, Ms. Manisha Sharma. Hi all, it's nice to see all of you all here again for a press conference of ours. And this is the new show of ours, it's called Molki. We are all very excited about it. And of course, it's brought to you by Balaji Productions. We've had a very tough year, and now we're looking forward to a safe and optimistic and happy Diwali for everybody and all our viewers. And we have a new lineup of shows also coming, and Molki is the first of them, post-IPL. So I'm feeling very excited about it. We've launched a few shows and sustained a few shows during these tough times. Shows like Ishq Mein Mar Jaawa and Pinjra has done well for us. Our old brands like Shakti continue to do well for us. Then we have Choti Sardani, Barrister Babu, which are doing very well for us. We have Big Boss, which despite IPL has managed to garner a lot of viewership shares. So I'm looking really forward to your support, your love, and the very fact that you've dragged me into this video conference, it's only because of my commitment to entertainment, my commitment to my viewers, and my commitment to all of us here behind the scenes who make shows and keep all of you all entertained. Thank you, ma'am, for sharing this information with us. It's now time to welcome the Zarina of Indian television. Someone who has time and again created magic with her stories and characters. It's time to welcome Ekta Kapoor, producer, Balaji Telefilms. Hi friends, I hope you guys are having a safe and healthy Diwali. It's been a tough year for all of us and I am feeling extremely emotional seeing all of you guys here because it's been a year full of changes and challenges and everyone has survived it. So it's a year of strength. I hope the new year, the Diwali new year, brings us a lot of happiness. But please stay safe. Don't burst crackers. Do not contribute to sound and noise pollution. So since you all are here,
I'd like to add a few words on Molki. Molki is a show about a tradition which is very prevalent in North India, and especially in states like Haryana, where girls, because of the male to female gender skew being slanted, women are sold as brides. It's a tradition where men, family members, save their dowry and also get money for giving a bride to the other side. The sex ratio being skewed towards men, and because of very few women, women are sold at a rate wherein people get rid of their debts, especially some of the karigars, by selling their daughters. A tradition that is abhorring and something that makes people like me feel like it's a story that we need to tell. Balaji Telefilms is always committed to telling these kind of stories, and with colors we have tried to put out sometimes supernatural stories, sometimes family dramas, sometimes really interesting, and colors itself has done many stories on child marriage and the third gender. So as committed to the cause as we are in Balaji, committed to the cause of telling stories that impact our social fabric, I am extremely happy to put this story out. मुझे लगता है कि मोल्की की जो कहानी है, इस ट्रेडिशन पे जो बेस्ड कहानी है, वो ट्रेडिशन से लोग रियलाइज़ करेंगे कि किसी भी लड़की को बेचना या उसको शादी के नाम पे एक प्राइस से किसी और को दे देना, शी इज़ अ ह्यूमन बींग एंड इट्स सो रॉन्ग. मोल्की जर्नी आई होप हिट्स होम एंड कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा चेंज आए. जय माता दी, जय हिंद. थैंक यू मैम. और अब मैं बुलाना चाहूंगी उन खास किरदारों को जो बनाएंगे इस कहानी को खूबसूरत और इस शो के माध्यम से उठाएंगे एक अहम मुद्दा. इट्स टाइम टू वेलकम द टैलेंटेड कास्ट ऑफ द शो मोल्की. लेट्स वेलकम अमर उपाध्याय, हु विल बी सीन प्लेइंग द रोल ऑफ वीरेंद्र प्रताप सिंह. मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, यूरेवाड़ी ग्राम का सरपंच. जिस तरफ मुड़ता हूं हजारों सर मारे सामने झुक जाते हैं, क्योंकि मारे पास ताकत से जमीन और पैसे की ताकत, जो कि इतनी कमाई मैंने कि फिर कभी मुड़कर पीछे देखना ना पड़े. और यो सब तब से शुरू हुआ जब से मारी असली दुनिया हमारे से दूर हो गई. कुछ साल पहले मैंने अपनी पत्नी साक्षी को खो दिया. मैं नहीं बचा पाया उसे. मारी वजह से मारी साक्षी की मौत हुई. साक्षी मारा पहला और आखिरी प्यार थी. तब से ठान ली थी मैंने, इतना पैसा कमाऊंगा कि मारे घर वालों को, परिवार वालों को कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी. और आज मैं यहां खड़ा हूं, इस ग्राम का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली इंसान, मारे एक इशारे पर हरियाणा की यो रेवाड़ी चलती है. अमर ने समझ में नहीं आता क्यों मारी माँ और मारे मामा जी मारे पीछे पड़ गए कि मैं दूसरी शादी कर लूं. दूसरी शादी में कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दूं, फिर कैसे अपनी साक्षी की जगह मैं किसी और को दे दूं. यो मारे से ना हो सके, दूसरी शादी तो मैं ना कर सकूं. थैंक यू वीरेंद्र. आई नाउ लाइक टू वेलकम प्रियल महाजन, हु विल बी सीन प्लेइंग द रोल ऑफ पूर्वी. नमस्ते, हम पूर्वी वीरेंद्र प्रताप सिंह, नहीं पूर्वी प्रताप सिंह,
हम पढ़ लिख कर अपना नाम कमाना चाहते थे, अपनी माँ और अपनी बहन की वो सारी खुशियाँ पूरी करना चाहते थे जिसके वो हकदार हैं, और अपने बाबा को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती हैं। लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कौन टाल सकता है? हमें कहाँ पता था कि हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदलने वाला है। हम एक मोल की हुई दुल्हन बनने वाले थे। हमारी शादी एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो हमारी उम्र से दुगनी उम्र के हैं, जिनके बच्चे हमारी उम्र से बड़े हैं। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पति ने हमें आज तक नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो आज भी अपनी गुजरी हुई पत्नी की यादों से प्यार करते हैं। लेकिन हमने फैसला कर लिया कि हम अपने पे किए हुए सारे मोल को चुकाएंगे। हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और एक एक पाई चुकाएंगे जिससे इन लोगों ने मुझे खरीदा था, और वो हर चीज़ करेंगे जिससे कि इस परिवार और इस परिवार के हर सदस्य का दिल जीत सके। ये मोल की हुई दुल्हन अपने कर्तव्य और अपने फर्ज को पूरा करके निभाएगी। Thank you, Purvi. That was absolutely wonderful. And now it is time to welcome once again back on screen the beautiful and talented cast of Molki. Let's join them back. Hello, welcome, welcome. Hello, hi. Thank you. It is so wonderful to have you both here once again. And I'm sure the audience is equally excited to witness the charisma back again. So welcome. Thank you so much. मेरे पास कुछ सवाल है मीडिया की ओर से, एंड I'd like to put it forward to both of you, beginning with Amar. Amar, ये सवाल है भावना from Pink Pilla की तरफ से. सवाल है, इतने टाइम के बाद आप एक लीड रोल में फिर से टीवी पर आने वाले हैं, तब के और अब के कंटेंट में आपको क्या फर्क लगता है टीवी में? लास्ट लीड रोल तो कुछ साल पहले ही था मेरा, लेकिन जब से मैं शुरू किया द टेलीविजन बहुत बदल गया है हर चीज में, क्वालिटी ऑफ व्यूइंग में. पहले सिंपल VHS टेप्स में शूट होता था, अब हाई क्वालिटी OLED टीवी आ गए हैं, LED टीवी आ गए हैं, और HD में शूट होता है, हाई डेफिनेशन में. तो क्वालिटी ऑफ व्यूइंग इज बिकम एक्सीलेंट. शूटिंग के कैमरेज चेंज हो गए हैं, और हर घर में 2 से 3 टीवी हो गए हैं, और इतने सारे चैनल, इतने सारे टीवी सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स और क्या क्या नहीं आ गया है, 400 चैनल हो गए हैं. तो आई थिंक एक पूरा इतना वास्ट ऑप्शंस है ऑडियंस के पास देखने के लिए, तो इसकी वजह से चैनल्स और प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है टू डिलीवर यू नो एक्सीलेंट कॉन्टेंट, टू गेट द नंबर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल इटसेल्फ. सो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शन के साथ बहुत सारी बहुत सारा प्रेशर भी बढ़ गया है, और ये प्रेशर चैनल से लेकर नीचे तक सब वो ट्रैवल करता है, एक्ट्रेस तक, और सब की यू हैव टू परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड गेट द नंबर्स. सो अच्छा भी हुआ है और थोड़ा बहुत बुरा भी हुआ है. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन बड़ी है. या इट्स एक्सीलेंट मीडियम, और लोगों के घर में आप पहुंच जाते हैं अनइनवाइटेड, और ये एक प्रिविलेज है आपको जो मिलता है टेलीविजन के थ्रू. और टेलीविजन एक बहुत ही हार्ड हार्ड हिटिंग और एक अच्छा फास्टेस्ट मीडियम है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का. आई थिंक एक्सीलेंट, फीलिंग गुड दैट इज इम्प्रूविंग. थैंक यू फॉर दैट. हमारा अगला सवाल प्रियल के लिए है. प्रियल, ये सवाल है फ्रॉम हस्ती, फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स, और सवाल है, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये रोल नरेट किया गया, एंड व्हाट मेड यू फाइनली अग्री टू प्ले पूर्वी? तो जब मुझे पहली बार पता चला था पूर्वी के कैरेक्टर के बारे में और ये पूरे कस्टम के बारे में, मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था मोल्कि क्या होता है. ऑफ कोर्स ये जरूर पता था दैट हरियाणा में कुछ प्रिविलेंट कस्टम्स है जो वहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, बट मोल्कि के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड जब मुझे नरेशन मिला, जब मुझे पूर्वी के कैरेक्टर के बारे में भी पता चला, तब मेन पार्ट था जब मुझे पता चला दैट व्हाट दिस होल कस्टम इज ऑल अबाउट एंड व्हाट
I have to play what my character has to play. So उससे पहले तक मुझे नहीं पता था, and जब मुझे ये पता चला था, I was like कि नहीं, अगर मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जस्ट थिंक कि अगर मैं वो करने जाऊंगी, उस कैरेक्टर को प्ले करने जाऊंगी तो वो कितना प्यारा और अच्छा होगा. तो ये पूरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है पूर्वी की. सो या, सो वेटिंग टू सी दैट रोलर कोस्टर राइड. बहुत बहुत शुक्रिया. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अमर. अमर, ये सवाल है फ्रॉम किरण फ्रॉम दैनिक भास्कर. सवाल है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ एक बार फिर से काम करने में आपको कैसा लग रहा है? आई कैन ऑलरेडी सी द स्माइल ऑन योर फेस, बट वुड लाइक टू हियर. यू नो, व्हेन यू वर्क विद एन एक्सपर्ट, यू नो, ऑफ द क्राफ्ट, एकता, शी हैज एक्सीलेंट शोज. उनके हर शो अलग होते हैं, एक्सीलेंट. शी इज अ मास्टर ऑफ द क्राफ्ट. सो एज एन एक्टर, आपको इतना कंफर्ट मिलता है कि आपका कैरेक्टर अच्छी तरह से ये प्रेजेंट होगा, अच्छी तरह से यू नो ये लिखा जाएगा फ्यूचर में आगे भी. जैसे मेरा मिहिर का कैरेक्टर था, मेरा कलश का कैरेक्टर था, राम का कैरेक्टर था कलश में. सो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही एक्सेलेंट रोल्स थे मेरी जिंदगी के. और यू नो, एकता स्पेशली टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, स्पेशली लीड रोल जो होते हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट वो देती हैं हर एक चीज़ के लिए. इतनी बारीकी से उनकी समझ, इतना एक्सपीरियंस उनको इतना ज़्यादा है शोज बना के, कि आई एम एज एन एक्टर वेरी वेरी कंफर्टेबल. मुझे ज़्यादा सवाल पूछने नहीं पड़ते कि मेरा आगे ये रोल क्या होगा या मैं आगे मेरा कैरेक्टर कहाँ जाएगा. मुझे पता है कि व्हेन शी इज देयर टेकिंग यू नो होल्डिंग द रेंस ऑफ द शो, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्सीलेंट. और बाकी आपको सिर्फ काम करना है बस ध्यान देकर. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विथ हर अगेन. And over the years, I've worked with so many people, but it's always special to work with Ekta. So we are wishing you all the best for this special bond. Great success. Yeah. हमारा अगला सवाल प्रियल के लिए, and ये सवाल है आशिमा from India Forums. आप एक lead role play कर रही हैं opposite such an established actor, Amar. And आपका पहला reaction क्या था जब आपको ये पता चला कि आप इनके सामने ये रोल प्ले कर रही है, और जब आपने फर्स्ट सीन एक्चुअली शूट किया, क्या आप नर्वस थी? नर्वस तो नहीं, बिकॉज़ ऑब्वियसली अमर सर ने बहुत कंफर्टेबल रखा कि जो भी हमारे सीन्स कुछ अभी जो हुए हैं 15 दिन में वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, एंड आई एम श्योर वो टर्न आउट बहुत अच्छे होंगे जब ऑन स्क्रीन हम देखेंगे. तो नर्वस नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में था, बट हाँ जब हम मिले और सीन थोड़ा सा हुआ सेकंड टेक में, आई थिंक मैं कंफर्टेबल हो गई थी थोड़ा. अमर सर ने मुझे उतना कंफर्टेबल कर लिया था. तो जब मुझे सुनने में आया था दैट हाँ, जो वीरेंद्र प्रताप सिंह का प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर वो अमर सर है, आई वाज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैं उनको क्योंकि सास भी कभी बहू से देखती आ रही हूँ, और थोड़ा काम कर रहे हैं, लाइक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम. तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जितना अभी 15 दिन में हम इतना अच्छा कर पाए हैं, एंड आई एम श्योर जब वो आप स्क्रीन पे देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा. वेल, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. हमारा अगला सवाल है अमर के लिए, और ये सवाल है सगारिका फ्रॉम मुंबई मिरर. सवाल है, व्हाट ड्रू यू टू बी अ पार्ट ऑफ मोल्की, एंड आपने अपने आप को इस कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर किया? व्हाट डू यू थिंक आपका बिगेस्ट चैलेंज रहा वीरेंद्र प्रताप ठाकुर के लिए? एक्चुअली जब मुझे इसके लिए फोन आया था जस्टी का, जो हमारे क्रिएटिव हेड है, तो पहले पता था कि अमर वी आर मेकिंग अ शो, आई वाज एक्साइटेड. बालाजी अगेन अप्रोच मी फॉर दिस रोल, एंड जो रोल मुझे पता है कि मोल्की, मतलब मोल्की, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज मोल्की, आई डिडंट नो व्हाट इज मोल्की अबाउट. क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारे देश में, राजस्थान में और हरियाणा में, जो सुना तो था कि ऐसे कोई ब्राइड खरीद के करते हैं, लेकिन उसको मोल्की कहा जाता है ये मुझे पता नहीं था. सो उन्होंने कहा कि मोल देकर खरीदी हुई ब्राइड, वो मोल्की बोलते हैं उसे. तो वेरी सिंपल टर्म, तो इट इज ऑल अंडरस्टूड. एंड देन शी एक्सप्लेन माई कैरेक्टर, माई रोल, द पर्सनैलिटी, जो लुक होगा मेरा और किस तरह से बोलेगा, चलेगा, उठेगा, दौड़ेगा, जो भी होगा, वो कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, कैसे वो बातें करेगा, वो क्या आगे क्या होगा उसका. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड कि ये प्रथा इतनी पुरानी हमारे देश में है, हरियाणा, राजस्थान में और कई स्टेटों में, कि हमको पता ही नहीं है. जैसे मुझे नहीं पता तो और इतने करोड़ों लोग हैं जिनको नहीं पता, और ये कहानी तो बहुत पहले लोगों के सामने आ जानी चाहिए थी, कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था कि ऐसी भी एक प्रथा है जो कभी कभार मिसयूज भी होती है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर कोई शो बने,
लोगों को जो गर्ल्स बेसिकली जो जो लड़कियां जो उससे गुजरती हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, उनको अपने आप पे एक पैरों पे खड़े रहने का एक एक ताकत मिले, कॉन्फिडेंस मिले, उसके बारे में कोई शो, जैसे मैंने पहले कहा टीवी एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मीडियम है जो पहले इंस्टेंटली आपके घर में पहुंचकर आपको सब बता देता है। यू न्यूज़पेपर तो सुबह आएगा फिर पढ़ेंगे, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, टीवी सब देखते हैं, तो आई थिंक टेलीविजन इज द बेस्ट मीडियम टू से दिस एंड इश्यू दिस प्रॉब्लम, टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला मुझे कि, और मुझे ये शो करना था उसके बाद कि ये शो तो बनना चाहिए और मुझे इसका हिस्सा बनना ही है, तो आई वॉज एक्साइटेड। और दूसरा कैसे मैंने प्रिपेयर किया इसके बारे में, तो आई टेल यू कि ये हरियाणा बेस्ड शो है, हरियाणवी बैकग्राउंड है इसके अंदर, और सबसे पहले दिमाग में मुझे ये था कि अगर ये हरियाणवी कैरेक्टर है, रेवाड़ी गांव का सरपंच है और बहुत सारे गांव का मुखिया है, तो ये बेसिकली हरियाणा में बॉर्न ब्रॉटअप है, तो उसका एक बात करने का एक तरीका होगा जो वहाँ की लोकल डायलैक्ट लोकल लैंग्वेज बोलता होगा, और लोकल लैंग्वेज में है तो ऑल ये पूरे इंडिया में आएगा, हर स्टेट में जाएगा, तो हरियाणवी लोग कैसे हिंदी बोलते हैं, ये सबसे मेरा पहला एक मेरा एक थॉट था। परफॉर्मेंस तो हम लोग कर ही लेंगे क्योंकि वो भी एक था कि वो बहुत ही ठहराव वाला बंदा है, बहुत ठहराव वाला इंसान है, बहुत कुछ इसने जिंदगी में देखा है अपने पास्ट में, इसके साथ बहुत कुछ गलत भी हुआ है पास्ट में जिससे वो आज अपना सेल्फ मेड मैन है, रैक्स टू रिचेस स्टोरी है इसकी, और एक इसका एक अपना इमोशनल साइड है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए और एक हरियाणवी गांव का एक बड़ा मुखिया कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो चलेगा, कैसे उठेगा, कैसे लोगों से बात करेगा, उसके अलावा इसके जो अंदर जो पर्सनल इश्यूज हैं, इसके पर्सनल इश्यूज जो पास्ट में हैं, जो आज तक वो अपने हार्ट में कैरी कर रहा है, वो किसी को दिखाता नहीं, उसने अपने आप उसके वो इंसिडेंट के अपने आगे एक वॉल बना रखी है, एक अनसीन वॉल है जो किसी को वो वॉल के अंदर आने देता नहीं है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके घर के और लोग हो, चाहे उसकी एक नई बीवी हो, वो किसी को नहीं आने देता, वो वॉल के अंदर उसका जो इमोशनल साइड है उसने अपने आप अंदर रखा हुआ है उसे, वो किसी को दिखे, वो सिर्फ अकेले में जाहिर करता है, तो एक टूटा हुआ इंसान है जो बाहर दिखाता कि वो शेर है लेकिन अंदर से वो बहुत कुछ इमोशनली सैड है। ऊपर से हरियाणवी एक मैंने चैलेंज लिया है कि मैं यू नो लाइक हमने फिल्म देखी है पास्ट में दंगल और सुल्तान, जो हमें आमिर सर और सलमान सर बड़े बड़े हरियाणवी के पहलवान के रोल कर रहे हैं, तो उनका शूटिंग होता है 100 दिन सपोज हरियाणवी बोलते हैं, हमारा शूटिंग तो 365 डेज होगा, तो मैंने अपने आप पे एक लेख ले लिया कि मैं हरियाणवी बोलूंगा, आई विल बी ट्रू टू माई कैरेक्टर एंड ट्रू टू दिस शो स्टोरी, कि ये हरियाणा में बॉर्न हुआ है तो हिंदी प्लेन बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्त हैं हरियाणा में रहते हैं, पानीपत में मेरे कई दोस्त हैं, हिसार में है, रोहतक में है, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ ना तो वो हिंदी बोलते हैं तो हरियाणवी उठना चाहता है हमेशा, तो वो मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे लगा बरसों से मुझे था शौक था कि एक हरियाणवी रोल मिल जाए, इन लोग की तरह बोलने मिल जाए, तो एक स्वैग है एक्शन में भी एक स्वैग है, कुछ स्टाइल है, तो एक लाइफ में ऐसा करना था, एंड व्हाट बेटर देन एकता ऑफर्ड मी दिस शो, व्हाट अ वंडरफुल प्रोड्यूसर, एन अमेजिंग ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, और चैनल्स कलर्स है एंड प्राइम टाइम स्लॉट एंड ब्यूटीफुल, आई मीन एवरीथिंग इज सेट सो वेल, सो टचवुड आई जस्ट होप दैट यू नो सारी मेहनत जो करी है सब लोगों ने वो एक उसका अच्छा रिजल्ट मिले सबको। और मैंने इसका रिसर्च किया गूगल पे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैंने मेरे दोस्तों से हरियाणा में बात करी है और बहुत कुछ मैंने स्टडी किया है, लेट्स सी हाउ इट कम्स अक्रॉस। Wow, Amar, so much hard work, itna sara hard work for this character. All the best. Thank All you. the rocking, rocking best to you. Yeah, thank you. Hamara agla sawal Priyal ke liye. Priyal, the question is from Aarti from Delhi Reporter. Sawal hai, what according to you will impress the audience from your character? Ye Purvi ke character se aapko kya lagta hai ki sabse zyada kya prabhavit karega? पूर्वी का कैरेक्टर है, तो पूर्वी एक 19 साल की लड़की है, तो वो 19 साल की और उसकी बहुत बहुत ड्रीम्स हैं जो वो अपना पूरा करना चाहती है, एक टीनेजर के जैसे नॉर्मली ड्रीम्स होते हैं वैसे उसके भी ड्रीम्स हैं, वो पढ़ लिख कर अपनी घर की वो सारी परेशानियां दूर करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, अपने खुद के उससे काम करना चाहती है, वो टीचर बनना चाहती है और बच्चों को पढ़ाना चाहती है, और फॉर हर हर बुक्स आर एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आई थिंक सो उसकी बुक्स उसके बेस्ट फ्रेंड है, एंड
उस शो में भी यही दिखाया गया कि उसकी कुछ ड्रीम्स है जो वो अचीव करना चाहती है, बट देन उसको बेच दिया जाता है उसके उसको एक किसी से, उसकी एक इंसान से शादी हो जाती है जो उसकी उम्र की दुगनी, उसकी उम्र से दुगनी उम्र की है, और तब तक पूर्वी को ये पता ही नहीं है कि पूर्वी की शादी मोल की शादी हुई है. सो वो सारा इमोशनल ड्रामा है कि कैसे उसको पता चलेगा, एंड उसके पहले जो उसका लाइफ है, जो भी जैसे भी उसकी फैमिली और पूर्वी रहते हैं, वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि कितना टाइम होता है कि हम तीन तीन चार चार दिन पूर्वी की फैमिली खाना नहीं खाती है. एक रोटी अगर घर पे होती है तो वो तीन लोगों में बटती है, वो भी हाफ हाफ होकर. खाना नहीं तो उनके लिए ये, अगर खाना नहीं मिल रहा तो हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे. उनके लिए अगर खाना मिल जाए तो वो ट्रीट है. वैसी फैमिली है तो वो वैसे ही अपना नाम कमाना चाहती है और ये सब करना चाहती है, बट देन ऑब्वियसली उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है जब उसको एक ऐसे घर में जाना पड़ता है जो बिल्कुल ऑपोजिट है. वो कहाँ से आई और वो एकदम एक चौल से, लाइक चौल से भी नीचे, वो किसी गांव से है और वहां पे वो उस गांव के मुख्य मतलब सरपंच से शादी कर लेती है. तो वो बिल्कुल अलग है. तो वही है कि शादी के बाद वो कैसे कैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करती है, कैसे उस घर में अपनी जगह बनाती है, उन उस घर के लोगों से लाइक कैसे मिल मतलब प्रेम से रहती है, और फैमिली मेंबर्स के साथ वो कैसे उनके दिल में अपनी जगह बनाती है. तो वो पूरा इमोशनल ट्विस्ट ड्रामा एंड ये सब कुछ है, वो हमारे राइटर्स के ऊपर है वो कैसे अब उसको फ्रेम करते रहते हैं. तो उसके लिए आप कलर्स पे देखते रहिए 10 बजे सोमवार से. शुभ. थैंक यू सो मच प्रियल. थैंक यू. हमारा अगला सवाल आप दोनों के लिए है, और ये सवाल है फ्रॉम रिचा फ्रॉम सिने स्पीक्स. सवाल है, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लॉट यू थिंक इज मोर इम्पैक्टफुल? इज इट द पार्ट इवन विद अ बिग एज डिफरेंस you guys fall in love with each other, or the part that Purvi who's being traded in exchange of money, which part? Maybe Amar, you can start. Yeah, I think all of that at different stages, you know, initially, kyunki ye ek lambi kahani hai, you know, is a 2-hour film, it's a proper detail mein dikhaya gaya hai isme. आई थिंक एवरी स्टेज पे अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी. जैसे शुरुआत में लगेगा कि यार एज डिफरेंस बहुत है, तो वो एक प्ले करेगा कि अरे तो इनकी कहानी क्या होगी, क्या इनमें कुछ केमिस्ट्री हुआ हो सकती है, इनमें कुछ इमोशन बन सकता है. वो एक सेकंड स्टेज पे आएगा कि अच्छो शादी तो हो गई दोनों की अलग अलग एज, अब क्या, अब चाहे डिवोर्स हो जाएगा या झगड़े होंगे या प्यार होगा या परिवार एक्सेप्ट करेगा पहले तो बाद में करेगा नहीं करेगा. So, अपना अब अलग अलग स्टेज पे हर एक चीज मैटर करेगी. और भी बहुत सारे मोलकी की शादी के बाद तो मोलकी वो जो प्रथा है वो थोड़ा बैक स्टेज पे आ जाएगी और इनकी कहानी शुरू होगी. उनकी कहानी में प्रॉब्लम्स होने वाले हैं या हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंस होगा कि क्या इनमें प्यार होगा या नहीं होगा, ये लड़की टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, ये एडजस्ट कर, क्योंकि इतने इतने गरीब घर से ऑलमोस्ट रास्ते से लड़की आई है क्योंकि उनके पास एक टाइम का मील नहीं है, और यहाँ पर ये राजा महाराजा लोग हैं जिनके पास रोज 56 भोग लगता है, 3 टाइम जितना खाना खाना है, जहां रहना है महलों में, मतलब हर कुछ एक राजा के पास होता है वो सब है, और इनके पास एक जूता पहनने को नहीं है, एक ग्लास पानी पीने को नहीं है. वो इतना ड्रास्टिक चेंज, तो क्या ये लड़की उस वो कल्चर शॉक में आ जाएगी या कैसे बिहेव करेगी? तो ये पूरा एक अलग से पूरा एक दोनों का डिफरेंस वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड है. तो ये कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या ये अपनी पास से बाहर निकल पाएगा, ये जो चीजें है ना जो बहुत इंटरेस्टिंग है. साथ में इतने सारे गांव का मुखिया, गांव चलाना है, परिवार को, परिवार का जो अंदर चल रहा है उसको एडजस्ट करना है, ये सब कैसे कर पाएगा वो लड़की, कैसे कर पाएगी, हाउ विल शी बी हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल टू दिस गाय, और इट्स ऑल अबाउट दैट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. और या द मेन प्लॉट रेटर इज गोइंग टू बी अ एज डिफरेंस, और उनके बीच में क्या कुछ हो सकता है या नहीं, दैट इज. Wow. Really? Yeah. So for me, I think so. दोनों पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक पहला पार्ट की क्या ये दोनों मतलब पहला था कि मूल की जो है जो प्रथा है वो बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये जो पूरा कस्टम है हम अगर ऑन टीवी दिखा रहे हैं आई थिंक सो बहुत लोग देखेंगे और शायद कुछ लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ही है. और उसके बाद जब शादी के बाद जैसे अमर सर ने बोला कि ये कनेक्ट कर पाते हैं दोनों एक दूसरे से, क्या होता है प्यार होता है
या फिर डिवोर्स होके टूट जाते हैं ये दोनों, वो ऑब्वियसली हमारे राइटर के ऊपर है, क्योंकि अगर प्यार भी हो जाता है तो वो भी कि हाँ, मतलब एक इंसान जो इतने लाइक दुखनी उम्र के और एक टीनेजर है जिसके अलग ड्रीम्स थे, उसका अलग माइंडसेट था अपनी लाइफ को लेके, वो दोनों अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो भी एक अलग स्टोरी होगी, वो भी एक बहुत ही प्यारा जर्नी होगी। तो वो ही कि अगर हम मूलकी को भी शो कर रहे हैं तो वो भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि हाँ, हम उसको ऑडियंस के पास ला पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और अगर उसके बाद इन दोनों वीरेंद्र और पूर्वी के बीच में प्यार भी होता है तो वो भी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ एटलीस्ट दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। वाओ, ऐसे आप दोनों से ये सवाल पूछकर आई एम श्योर हमारे जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं और हमारे जितने भी मीडिया है वो ऑलरेडी बहुत ईगर हो चुके हैं टू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग द शो। So thank you so so much for joining us for this interaction. Pleasure. Bahut bahut shukriya. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Thank you. Aur ab ladies and gentlemen, waqt hai. Finally, the moment we all have been waiting for is here. That's right. It is time for the official photo op with the talented cast of Molki. Joining us today on this unique press conference. We hope to meet you soon. Don't forget to watch Molki starting November 16th every Monday to Friday at 10 p.m. only on Colors. Stay safe, stay healthy and enjoy the upcoming festive season. This is Shweta Kapoor signing off.